बाढ़ प्रभावित जिले को बाढ़ एवं कटान से बचाव के लिए सरयू नदी के तट को मजबूत करने के लिए बन रहे 12 तटबंधों के कार्य 70% पूर्ण हो चुके हैं। 30 जून तक सभी कार्य पूरे होने के आसार हैं। वहीं जिला अधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष जो बाढ़ और कटान की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसे देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 परियोजनाओं पर बाढ़ विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वहीं खरी दरौली पुल के पास भी नदी के बहाव में परिवर्तन हुआ था, जिससे आसपास के गांव प्रभावित हुए थे, जिस पर शासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्य कराने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया था, जिस पर तेजी से कार्य हो रहा है। जिला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पुनः वैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए बाढ़ खंड को निर्देशित किया गया है कि अन्य जगहों पर भी 30 जून तक कार्य पूर्ण करा लिया जाए। जिला अधिकारी ने बताया कि मौके पर हो रहे कार्यों की गुणवत्ता टेक्निकल टीम द्वारा जांच कराई जाती है और उसके आधार पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन हो रहे कार्यों पर संतुष्टि दर्शाते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से कार्य कराए जा रहे हैं वह उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। देखिए, पिछले वर्ष जो बाढ़ की स्थिति थी उसको देखते हुए इस बार बाढ़खंड द्वारा कई परियोजनाएं तैयार की गई थी, जिसमें 12 परियोजनाओं में काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो खरीद दरौली पर एक पुल बन रहा था, वहां पर भी जो पास के गांव हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था, तो मेरे द्वारा उस संबंध में भी शासन को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। शासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर तत्काल सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए थे और सिंचाई विभाग ने उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। उसी कार्य को मैंने कल भी निरीक्षण किया है, वहाँ पर कार्य चल रहा है और संबंधित अधिशासी अभियंता को मैंने कहा है कि इस कार्य को प्रत्येक स्थिति में 30 जून तक पूरा किया जाए, ताकि किसी प्रकार की अपनी स्थिति गांव आसपास के गांवों को ना सामना करना पड़े। इसके अतिरिक्त जहां अन्य जो कार्य बाढ़खंड द्वारा कराए जा रहे हैं उसका भी कल मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। पिछले वर्ष रेलहा में भी काफ़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो इस बार उसकी कार्य योजना बनी है, शासन ने स्वीकृत भी कर दिया है और वहां पर लगभग 70% कार्य भी हो गया है। तो इन सब कार्यों से निश्चित रूप से जनपद के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते थे उनको इस वर्ष राहत मिलेगी। और शासकीय अभियंता बाढ़ को निर्देशित किया गया है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं 30 जून तक उसको अवश्य पूरा करें और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सर, आपने देखा मौके पर जो कार्य हो रहे थे उनकी गुणवत्ता से आप संतुष्ट थे? सर हाँ, उसको हम लोगों ने देखा है और उसकी तकनीकी जाँच अलग से कराई जाती है, तो वो तकनीकी जाँच में जो तथ्य आते हैं उसके अनुसार अंतिम कार्रवाई की जाती है, लेकिन मौके पर जो उपस्थित अभियंता थे उनको गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और बहुत स्पष्ट कहा गया है कि इस कार्य के बाद निश्चित रूप से इस कार्य को करने का जो पर्पस था वो सॉल्व होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसके बाद भी कोई नुकसान हो, तो ये पूरी तरीके से सुनिश्चित। वैसे देखा जाए तो प्रचंड गर्मी और चुनाव में व्यस्तता के बावजूद भी सिंचाई विभाग ने बाढ़ राहत कार्य में तेजी दिखाई है, जो आने वाले समय में ग्रामीणों को बाढ़ और कटान से राहत पहुंचाने में सहायक होने की उम्मीद है। यूपी सार्ट न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।